पूरी से इसको समझते हैं। राजनीति या फिर ब्यूरोक्रेसी में अगर पकड़ है तो कोई क्या कुछ बिगाड़ सकता है, ये बात अब सत्य होती नजर आ रही है। राजधानी भोपाल में सोम डिस्टिलरी के ग्रुप के जो संचालक हैं उन पर राधे श्याम सेन जो उनके बिजनेस पार्टनर थे उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या की थी, और आत्महत्या करने के बाद उनने आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो जारी किया था और सोम ग्रुप के संचालकों पर अनियमितताओं का और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। राधे श्याम सेन 52 साल के थे जो पहले सोम डिस्टिलरी ग्रुप में ड्राइवर का काम करते थे, बाद में उन्हें हिस्सेदारी दी गई और 5% का उन्हें पार्टनर बनाया गया। पार्टनर बनाने के बाद जो है वो व्यापार सोम ग्रुप के साथ करने लगे। राधे श्याम ने अपना वीडियो जारी किया है, वीडियो में कई तरह के आरोप लगाए हैं, बच्चों को कर्ज से मुक्त कराया जाए उनके ऊपर कई तरह के कर्जे हैं। राधे श्याम ने ये भी बताया कि 2003 के बाद दी गई कंपनी में पार्टनरशिप दी गई थी लेकिन उनके लिए भुगतान नहीं किया गया, 2022 में 15 लाख देकर मुझे चुपचाप करा दिया गया। यानी कि ग्रुप का व्यापार जिस तरीके से बढ़ता गया और जो ग्रुप के पार्टनर थे उनको दबाने की कोशिश की गई, यही कारण था कि राधे श्याम सेन पर कई तरह के बैंकों के कर्जे थे और उस कर्जे से वो परेशान थे क्योंकि जिस कर्जे के जो बैंक के जो नोटिस आते थे वो उनके पते पर नहीं आते थे जबकि किसी अन्य व्यक्ति के पते पर आते थे। जब इस बात की जानकारी राधे श्याम को लगी, राधे श्याम ने जो है सोम ग्रुप के संचालकों से बातचीत की, आखिरकार किसी ने कोई सुनवाई नहीं की और यही कारण है कि सुनवाई ना होने के कारण जो है उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। आप देख सकते हैं सोम ग्रुप के मैं बाहर खड़ा हूँ, कई VIP लग्जरियाँ गाड़ी खड़ी हैं। आज 5 दिन हो चुके हैं राधे श्याम ने आत्महत्या की है और उस आत्महत्या करने के बावजूद भी सोम ग्रुप के जो संचालक हैं उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बताया जा रहा है कि राजनीतिक पकड़ है, पुलिस में पकड़ है, ब्यूरोक्रेसी में पकड़ है, एक बड़े कारण बताए जा रहे हैं, इस कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं ACP चंद्रशेखर पांडे ने बताया है कि TI अशोक गौतम इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, वे बेहतर तरीके से बताएंगे। लेकिन 5 दिन हो चुके हैं और 5 दिन के बाद अब तक शूटिंग कर रहा हूं, राधे श्याम सेन ने आत्महत्या की है, सोम डिस्टिलरी के मालिकों पर आरोप लगाए हैं। नहीं तो आप क्यों रोकने आए मुझे? नहीं तो किसी की ऐसे कैसे सीनरी ले सकते तुम? कैसे सीनरी? पुलिस से मैं परमिशन लेके आया हूँ, पुलिस से, पुलिस में FIR दर्ज है आप लोगों के खिलाफ, सोम डिस्टिलरी ग्रुप के खिलाफ। तो आप रोक क्यों रहे मुझे बीच में? नहीं बताइए। हाँ पहले बता, परमिशन साहब से ले ही उधर से, क्या साहब से परमिशन लूंगा मैं? लेना है तुम ऐसे किसे? मैं किसी से परमिशन नहीं लूंगा। आत्महत्या पुलिस में TT नगर थाने में FIR दर्ज है। सब मर जाओ, दुनिया मर जाए तो किसी का होएगा? अच्छा, कहने मार डालेगा? उनने मारे भाई, जब आरोप तो नहीं पे लगाए, वीडियो जारी किया राधे श्याम सेन ने आत्महत्या करने से, झूठे आरोप कर देगा तो? हाँ हाँ, ये तो पुलिस बताएगी झूठे आरोप है, सही है, ये थोड़ी बताएंगे, पुलिस बताएगी ना। फोटो वोटो मतलब पुलिस बता देगी? नहीं, फोटो हमारा काम है, फोटो लेने का, फोटो लेंगे, वीडियो भी बनाएंगे हम, आपकी बात को भी शूट करेंगे, आपकी बात को भी दिखाएंगे हम, जो आप कह रहे हैं कि दुनिया मर जाए वो भी दिखाएंगे हम चैनल पे। तो देखिए किस तरीके से सोम ग्रुप के जो कर्मचारी हैं वो धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार राधे श्याम सेन ने जिस तरीके से आत्महत्या की है, मालिकों पर आरोप लगाए, लग्जरी गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई इसलिए नहीं की, राजनीतिक पकड़ है और बड़े व्यापारी हैं, ब्यूरोक्रेसी में अच्छी खासी पकड़ है, यही कारण है कि पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं FIR दर्ज होने के बाद अब तक जांच का हवाला दे रहे हैं। आज 5 दिन हो गए और 5 दिन के बावजूद भी इन डायरेक्टरों की गिरफ्तारी नहीं की गई, और जब इंडिया न्यूज की टीम शूट करने के लिए पहुंची तो तमाम इनके जो कर्मचारी हैं गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि दुनिया मर जाए फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार सोम डिस्टिलरी के मालिकों को जवाब देना पड़ेगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा कि आखिरकार इस आलीशान बिल्डिंग पे, इन आलीशान मालिकों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, एक आत्महत्या हो गई, आखिरकार जवाब क्यों नहीं दे रहे इनके मालिक, पुलिस के तमाम अधिकारी, मध्य प्रदेश के DGP, मुख्यमंत्री मोहन यादव जवाब क्यों नहीं दे रहे। राजधानी भोपाल में इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ कि राधे श्याम सेन ने एक व्यक्ति की आत्महत्या हो गई, उसने आरोप लगाए और उस आरोप के बाद भी अब तक जांच क्यों नहीं बैठी, और जांच इतने दिनों 5-7 दिन आज हो गए उसके बावजूद भी अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, क्या कोई राजनीतिक संरक्षण इन व्यापारियों को दिया जा रहा है, या फिलहाल देखना होगा। इसकी जानकारी तमाम मध्य प्रदेश के DGP और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी देंगे और उनसे भी हम अपडेट लेंगे।
वीडियो जर्नलिस्ट सुनील वर्मा के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज़, भोपाल।